क्या आप देश के किसी भी शिशु मंदिर एवं विद्या मंदिर के छात्र रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान पूरे भारत में दक्षिण से उत्तर की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर प्रत्येक शहर, गांव, कस्बे, तहसील, नगर में अपनी शाखा खोले हुए है, जिसमें शिक्षा के साथ साथ संस्कार एवं देशभक्ति, समाज सेवा का भाव भी सिखाया जाता है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए यह संस्थान कटिबद्ध है। आज पूरे देश में 29,000 से अधिक विद्यालय स्थापित हैं, जिसमें 34,00,000 छात्र छात्राएं अध्ययन हैं, जिन्हें 1,25,00,000 शिक्षक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। अभी हाल में एक अभियान स्वरूप अपने पूर्व छात्र को संगठित करने के लिए विद्या भारती ओल्ड एलुमनाई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का कार्य पूरे भारत वर्ष में शुरू हुआ। देखते ही देखते चंद महीनों में 8,00,000 छात्र इस पोर्टल पर जुड़ गए, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ कि किसी भी विश्व में किसी भी शिक्षण संस्थान के पास इतने ओल्ड एलुमनाई एक पोर्टल पर मौजूद नहीं है, अर्थात रजिस्टर्ड नहीं है। पर यह संख्या हमारे संस्थान में पढ़े हुए छात्रों के लिए बहुत कम है। स्मरण रहे कि सबसे पहले सरस्वती शिशु मंदिर संस्थान की स्थापना 1952 में पक्की बाग गोरखपुर में हुई थी। आज 70 वर्ष में लाखों छात्रों ने इस संस्थान में अध्ययन किया है और अपने आप को इस देश में स्थापित किया है। अतः आप विद्या भारती के पूर्व छात्र परिषद की इकाई से जुड़ने के लिए निर्धारित पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करिए। आपको रजिस्ट्रेशन के लिए सभी स्टेप्स आगे की वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया है। साथ में यदि आपको कोई असुविधा होती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उसे आप भर करके आप इस ओल्ड एलुमनाई पोर्टल पर रजिस्टर्ड होकर के स्वयं को गौरवान्वित महसूस करें कि विद्या भारती के हम पूर्व छात्र हैं और यह हमारे लिए गर्व का विषय है। धन्यवाद। एलुमनाई पोर्टल पर रजिस्टर्ड होने के लिए सबसे पहले गूगल पर जाकर ओल्ड एलुमनाई विद्या भारती टाइप करेंगे। सबसे पहले जो है आपको जो लिंक आएगी वह यही है, इसमें उसको लिंक को टच करेंगे, ओपन हो जाएगा। फिर नेम, अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल, क्या जॉब करते हैं, किस सिटी में हैं, ये सारी डिटेल्स जो है वो भरते चले जाएंगे। साथ में आप यदि NRI हैं वहाँ पर भी आप टिक करेंगे। इसी के साथ साथ आप विद्या भारती के स्कूल में पढ़े हैं और यदि आप वहाँ पर शिक्षक हैं तो वहाँ पर भी आपको टिक करना होगा। इस तरीके से सारी एंट्री को फिल करते हुए कि किस स्कूल से आप पढ़े हैं, उसका कंप्लीट एड्रेस, किस स्कूल से पास आउट हुए हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आप उसमें भर करके और इस फॉर्म को रजिस्टर्ड बटन को क्लिक करेंगे तो आप इनरोल्ड हो जाएंगे। यह बात ध्यान रहे कि हम विद्या भारती के छात्र हैं।